जाते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे कल जीतेंगे परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। हेलो अक्की भाई, जब से फ्री फायर का न्यू अपडेट आया है सभी अपनी रैंक पुश कर रहे हैं, और आप मेरे को सीएस रैंक के टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कुछ सीक्रेट और हिडन प्लेस को भी बता दो, जिससे मैं भी अपनी रैंक पुश कर पाऊँ। ओके, मैं आपको बता देता हूँ, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नंबर 10 ट्रिक होने वाली है हमारी ऑब्जर्वेटरी पर। अगर आपका राउंड यहाँ से मिलता है तो आपको यहाँ पर आ जाना है, और यहाँ पर आकर आपको फर्स्ट ग्लोल यहाँ लगा देना है, एंड सेकंड ग्लोल इसके ऊपर लगाकर आपको इसके ऊपर चले जाना है। आप इस ट्रिक को पहले एक ग्लोल से कर सकते थे, बट अब आपको यहाँ पर दो ग्लोल का यूज करना पड़ रहा है, बट यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से आ जाओगे। जैसे यहाँ पर मैं आ गया हूँ, अगर आपको यहाँ पर आने के बाद एनिमी नहीं दिखाई देते, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे सब दिखाई दे रहा है। और जैसे ही आपको यहाँ से एनिमी दिखाई दिए जाते हैं, आप उनको यहाँ पर किल कर सकते हो। जैसे इस एनिमी को यहाँ पर मैं डैमेज दे देता हूँ, बट यहाँ पर मेरा किल चोरी हो जाता है, और यहाँ पर मेरे को एक एनिमी और दिखाई दे जाता है जिसको भी यहाँ पर मैं डैमेज दे देता हूँ। सो आपको इस ट्रिक का यूज करके देखना चाहिए। नंबर 9 ट्रिक होने वाली है हमारी न्यूरेक डैम पर। इस ट्रिक को करने के लिए आपको कंटेनर के बीच में चले जाना है, और यहाँ पर आपको फर्स्ट ग्लोल लगाकर सेकंड इसके ऊपर ही लगा देना है, और यहाँ पर आप कंटेनर पर जंप करके इजीली इसके ऊपर आ जाओगे। जैसे यहाँ पर मैं आ गया हूँ, और यहाँ पर आने के बाद आपको एनिमी को देख लेना है, देन उसके बाद आपको यहाँ से घर के ऊपर जंप करके घर के ऊपर ही आ जाना है। और आपको तो पता ही होगा कि आप यहाँ से कितने ज़्यादा किन निकाल सकते हो, बिकॉज अपडेट के बाद यह लोकेशन बिल्कुल ही चेंज कर दी गई है। नंबर 8 ट्रिक होने वाली है हमारी मार्स इलेक्ट्रिक पर। अगर आपका राउंड यहाँ से स्टार्ट होता है तो आपको जल्दी से रन करते हुए यहाँ सामने सीढ़ी दिखाई दे रही होगी, तो आपको इसके ऊपर ही चले जाना है। जैसे यहाँ पर मैं आ गया हूँ, और यहाँ पर आने के बाद आपको फर्स्ट ग्लोल यहाँ लगाकर सेकंड इसके ऊपर लगा देना है, देन उसके बाद आप यहाँ से बहुत ही आसानी के साथ इसके ऊपर आ जाओगे। और जैसे ही आप यहाँ पर आ जाते हो, आपको यहाँ पर साइड में जंप कर देना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा देखने के लिए मिल जाता है। अरे ये नज़ारा ना देखकर आप इस ट्रिक को देख लो, क्योंकि यह फ्री फायर में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, और यहाँ से भी आप एनिमी को किल कर सकते हो। नंबर 7 ट्रिक होने वाली है हमारी रिमनम विलेज पर। अगर आपका राउंड इस साइड से मिलता है तो आपको इस ट्रिक को करने के लिए एक मिडल रेंज की वेपन को परचेस करके यहाँ पर आ जाना है, जहाँ पर मैं आ गया हूँ। और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है, क्योंकि एनिमी को इस साइड आने में टाइम लग जाता है, और जैसे ही इस साइड एनिमी आते हैं आप उनको यहाँ पर बहुत ही आसानी से किल कर सकते हो। जैसे इस एनिमी को यहाँ पर मैं किल कर देता हूँ, और यहाँ पर मेरा ग्लोल नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से मेरा दिल की बात कर रहा हूँ भाई, कभी कुछ और समझ लो। और यहाँ से भी आप एनिमी को किल कर सकते हो और अपनी विक्ट्री निकाल सकते हो। नंबर 6 ट्रिक होने वाली है हमारी सेंटोसा प्लेस पर। अगर आपका राउंड इस साइड से मिलता है तो आपको एक लॉन्ग रेंज की वेपन को परचेस करके इस साइड में चले जाना है, जिस साइड में मैं जा रहा हूँ, और यहाँ पर आपको तत्सुया करेक्टर का यूज कर लेना है। अगर आप तत्सुया करेक्टर का यूज करते हो सो आपको यहाँ घर के अंदर आकर ऊपर चले जाना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर एनिमी दिखाई दे जाएंगे जो यहाँ पर खड़े होते हैं, जिनको आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से किल कर सकते हो, और यहाँ पर हेडशॉट लगाकर एनिमी को सरप्राइज किल दे सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने एक एनिमी को बिल्कुल ही फिनिश कर दिया है, और उसके टीममेट को भी यहाँ पर डैमेज दे देता हूँ, बट वह कवर ले लेते हैं। सो आपको इस ट्रिक का भी यूज करके देखना चाहिए। नंबर 5 ट्रिक होने वाली है हमारी सेंटोसा प्लेस के इसी के अपोजिट साइड में। इस ट्रिक को करने के लिए आपको सामने की साइड ही रन करते हुए चले जाना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक ग्लूवॉल लगाकर यहाँ पर आ जाना है, और आपको बॉक्स के ऊपर चढ़कर फैंस के जरिए ग्लूवॉल के ऊपर आ जाना है, और ग्लूवॉल के ऊपर से आप इस वाले घर के ऊपर आ जाओगे। अगर आप यहाँ पर आ जाते हो तो आपको यहाँ पर कोई भी डैमेज नहीं दे सकता, और ना ही आपको यहाँ पर कोई नोटिस नहीं कर सकता, बट यहाँ से आप एनिमी को बहुत ही आसानी से किल कर सकते हो। जैसे इस एनिमी को यहाँ पर मैं डैमेज दे देता हूँ, और आपसे मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको इस ट्रिक का यूज करके देखना चाहिए। नंबर 4 ट्रिक होने वाली है हमारी क्लॉक टावर पर। इस ट्रिक को करने के लिए आपको यहाँ पर आ जाना है, जहाँ पर मैं आ गया हूँ,
और यहाँ पर एक ग्लूवॉल को लगाकर आपको ग्लूवॉल के ऊपर से इस वाले छत पर आ जाना है। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो आपको यहाँ पर ये इनविजिबल टाइप का दिख रहा है, आपको इसके ऊपर ही आकर बैठ जाना है। और जैसे ही आप यहाँ पर आ जाते हो, यहाँ से आप एनिमी को बहुत ही आसानी से किल कर सकते हो। जैसे यह एनिमी यहाँ पर घास या पेड़ जो भी बना हुआ है, इसको यहाँ पर मैं किल करके ही रहूँगा, क्योंकि इस एनिमी को मैं बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा हूँ। और जैसे ही यह एनिमी वुकोंग से भटता है, इसको यहाँ पर मैं किल कर देता हूँ। और जैसे ही यहाँ पर जोन आता है, आपको थोड़ा आगे की साइड में ही आ जाना है, क्योंकि आपको जोन का भी ध्यान देना है। और यहाँ पर मेरे को एक एनिमी ऊपर दिखाई देता है, जिसको भी यहाँ पर मैं किल कर देता हूँ। और यहाँ पर मेरे 2 किल हो चुके हैं। सो आपको इस ट्रिक का भी यूज करके देखना चाहिए। नंबर 3 ट्रिक होने वाली है हमारी फैक्ट्री साइड पर। इस ट्रिक को करने के लिए आपको यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आपको फर्स्ट ग्लूवॉल यहाँ लगा देना है एंड सेकंड इसके ऊपर लगाकर आपको यहाँ पर चले जाना है। और यहाँ से आप ग्लूवॉल के ऊपर से यहाँ पर आ जाओगे और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर साइड में जंप कर देना है। और जब इतने ऊपर में आ जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे मन से एक ही आवाज निकलती है, मेरे को यहाँ पर एक एनिमी दिखाई दे जाता है, जिसको यहाँ पर मैं डैमेज दे देता हूँ। और उस एनिमी को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि उसको मैंने कहाँ से डैमेज दे दिया है। सो आपको यहाँ पर पीछे की साइड में आ जाना है और यहाँ पर मैं उस एनिमी को बिल्कुल ही फिनिश कर देता हूँ और हमारी बहुत ही आसानी के साथ विक्ट्री हो जाती है। नंबर 2 ट्रिक होने वाली है हमारी कैप टाउन पर। अगर आपका राउंड इस साइड से मिलता है तो आपको यहाँ पर आकर एक ग्लूवॉल यहाँ लगा देना है। उसके बाद आपको सीधा घर के अंदर ही चले जाना है और घर के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर विंडो से बाहर निकल जाना है और आपके द्वारा लगाए गए ग्लूवॉल पर चढ़कर आपको यहाँ से सामने वाले घर के ऊपर चले जाना है। और यहाँ पर आने के बाद आप एनिमी को बहुत ही आसानी से किल कर सकते हो। और इस वीडियो पर टारगेट रखने वाले हैं मात्र 100 लाइक का। अगर आप 100 लाइक कम्प्लीट करवा दे तो आपके लिए यह स्पेशल गिफ्ट होने वाला है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? आई थिंक आपको वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आया होगा। सो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो कि नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो के ऊपर बनाऊं और यहाँ पर लास्ट के एनिमी को किल करके विक्ट्री निकाल लेता हूँ। नंबर 1 ट्रिक होने वाली है हमारी मार्स इलेक्ट्रिक पर। अगर आपका राउंड इस साइड से स्टार्ट होता है तो आपको यहीं पर खड़े हो जाने हैं और यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि आप यहाँ पर वेट करते रहोगे। और जैसे इस ट्रिक को मैं कर रहा होता हूँ, यहाँ पर मेरे मन में एक ही सवाल आता है, जी करता है तेरा बुर्ज खलीफा? अरे भाई हंसते रहोगे, ट्रिक भी समझोगे। और जैसे एनिमी इस साइड से आते हैं, आप उनको यहाँ पर बहुत अच्छा हेडशॉट लगा सकते हो। और जो एनिमी इस साइड में जाते हैं, आपको यहाँ पर पीछे से उन पर अटैक कर देना है और यहाँ पर मैं डबल किल के साथ इजीली विक्ट्री निकाल लेता हूँ।